हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत पर बेसिकली एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 18 महीने के डीए एरियर्स पर जल्द ही बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो सभी कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को भी जरूर प्रेस करिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को कंटिन्यू इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। बेसिकली खबर आ रही है मीडिया से, बहुत बड़ी खबर आ रही है आपके 18 महीने की डीए डीआर पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आपको अभी मौजूदा दर पर जो है 34% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्रोवाइड कराया जा रहा है। जल्दी आपको 39 से 40% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जुलाई 2022 से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसकी अनाउंसमेंट या जिसकी घोषणा जो है अगले मंथ में हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है जुलाई है के लास्ट वीक में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में इसके यूजुअली, जैसे आपको पता है कि इसकी घोषणा की जाती है डीए और डीआर की, तो उसके बाद में जो पिछले 18 महीने का डीए एरियर्स कोविड के टाइम पे उसमें जो है फ्रीज किया गया था, तो उसके लिए सरकार से कर्मचारियों और यूनियंस जितने भी हैं वो सभी सरकार से रिक्वेस्ट कर रही थी कि उनका जो 18 माह का डीए और डीआर है वो उनको प्रोवाइड कराया जाए। हालांकि यूनियंस ने जो है सरकार से अभी बोला था कि सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है वन टाइम सेटलमेंट की सिचुएशन में आए, यानी कर्मचारियों और पेंशनर्स को जो है 3 से 4 किस्तों में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का जो एरियर्स था, यानी 18 महीने का डीए एरियर्स था, वो उनको प्रोवाइड करा सकती है। इसके रिगार्डिंग अब आगे आने वाले दिनों में एक बैठक है जो फिक्स हो सकती है। हालांकि ऑफिशियल अभी इसके बारे में नहीं आए हैं, लेकिन मीडिया में ऐसी खबरें आ रही थी कि जो है जल्द ही जो है अगस्त मंथ में 3 तारीख को ये मीटिंग जो है उसमें हो सकती है, जिसमें यूनियंस और फेडरेशन के अधिकारी, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अधिकारी और डीओपीटी के अधिकारी इसमें बैठक कर सकते हैं, जिसमें डीए के अलावा भी और भी इश्यूज हो सकते हैं। तो बड़ी खबर आ रही है कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए, और वाकई में अगर ऐसा होता है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को जो 18 माह का डीए एरियर्स है उनको प्रोवाइड कराया जाता है, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को 2 लाख रुपए तक का एरियर्स प्रोवाइड मिल सकता है, 2 लाख तक का एरियर्स उनका मिल सकता है। तो ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स को बहुत ज्यादा राहत मिल सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, इसको शेयर सभी के साथ करेगा, ताकि और कमेंट करके बताएगा कि आपके हिसाब से कितने रुपए आपको मिल सकते हैं या कब तक इसको इसमें कुछ अच्छा आउटपुट निकल कर आ सकता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।